आपको मैं ये और बता दूं कि अखरोट और ब्रेन एक से क्यों दिखते हैं, इस पे कोई वैज्ञानिक अवधारणा या कोई रिसर्च है क्या? तो उसका उत्तर यह है कि वैज्ञानिक अवधारणा है मात्र, वह ये कि कोई भी स्ट्रक्चर जैसे कि ये अखरोट है, जब भी किसी छोटी जगह पर विकसित हो रहा होगा, छोटे से बीज से बड़ा होता हुआ या छोटी सी सेल से बड़ा होता हुआ, तो उसे एकोमोडेट करने के लिए नेचर उस स्ट्रक्चर को ऐसे ऐसे सीधा रहेगा तो बहुत स्पेस लेना होगा, चौड़ा होगा तो बहुत स्पेस लेना होगा, तो उसे ये सिलवटों में जैसे साड़ी जब घड़ी करते हैं तो छोटी सी जगह पे साड़ी घड़ी करने के लिए क्या तरीका है, उसको सिलवटे के रूप में दुकानदार बड़े प्यारे ढंग से छोटा सा बना देता है और एक छोटी से पैकेट में इतनी लंबी साड़ी आ जाती है। इसी तरह से ये जो ब्रेन है ये बहुत ही सारी सेल से बना हुआ है, अनगिनत सेल, और इनको एकोमोडेट करने के लिए इस तरह से सिलवटें हमारे सिर में जो ब्रेन डेवलप हो रहा होता है तो पड़ती जाती हैं जिससे वो एकोमोडेट हो जाए, और यही मैकेनिज्म अखरोट में भी नेचर ने दिया हुआ होगा। यही एकमात्र पॉस्टुलेटेड हाइपोथेसिस है जिसे प्रूव तो नहीं किया जा सकता, लेकिन सर्वमान्य अभी यही है।